Assalamualaikum everyone and welcome back to another vlog. This is your brother Rizwan MH Osman all the way from the beautiful city of Dar es Salaam here in Tanzania. Aaj ek bahut hi nainsafi hui hai mere saath. Okay. Kyunki wo hota hai na ek hum jab सब घर वाले साथ में बैठे हुए होते हैं तो कुछ ना कुछ बातें करते हैं तो हमारी जो अम्मियाँ होती हैं वो हमेशा आई एम श्योर आपकी अगर घर में यही बातें होती हैं तो आप ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में कि जब भी हमें हम हमारे अम्मियों के साथ बैठे होते हैं हमारी अम्मी साथ होती हैं तो उनका एक ही टॉपिक होता है कि महंगाई बढ़ गई है। उस वक्त आप अगर कुछ कह दें और मेरी तो टिप्पणी की आदत पता नहीं कब जाएगी मेरी, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कहाँ क्या बातें करनी होती है नहीं। और उधर मैंने अपनी टिप्पणी दे दी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये मेरे मुंह से एक जुमला निकला और मेरी जिंदगी बर्बाद। ओह माय गॉड। तो कुछ खास ऐसा हुआ कि जब हम बातें कर रहे थे, हम सब बैठे हुए थे, ऐसे ही कुछ मजाक की बातें हो रही थी तो अम्मी शुरू हो गई कि महंगाई बढ़ गई है, चीज़ें महंगी हो गई, ये है। तो मेरे मुंह से एक सिर्फ आसान सा जुमला निकला और मैंने कहा कि अम्मी ऐसा नहीं है, अगर हम बजट करना सीख लें तो अच्छी तरह होगा। और वही मेरी पहली और आखिरी गलती थी। वहाँ एक ऐसी बात हुई कि मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने देखा कि अम्मी उठकर गई अपने कमरे में और बाहर आई और मेरे हाथ में एक एनवलप पकड़वा दिया। और उसका पता है क्या हुआ? उन्होंने मुझे पूरे ही महीने का खर्चा हाथ में दे दिया और एक भरी से लिस्ट दे दी और कहा कि अब इस महीने मैं घर का खर्च चला कर देखूं और देखूं कि महंगाई कितनी भरी है, कि बजट में कर सकता हूं कि क्या कर सकता हूं। इसी हवाले से आज मैं आपको ले जा रहा हूं कि हमारे पूरी घर की हफ्ते की ग्रोसरीज लेने। और आपको तो मैं ना ले जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप भी देखें और मैं भी चलूँ, पर पता नहीं क्या होगा। चले देखते हैं और देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे ही जेब से निकलने वाले हैं भाई। पर मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं अम्मी को साथ ही ले जाऊंगा। अब पता चलेगा कि मैं कितना चाला हूं। कि मुझे पता नहीं कि उनको क्या क्या चाहिए होता है और कैसी किसी चीज़, हम कुछ भी कह रहे हैं, जो हमारी माएँ होती हैं ना, जो घर की औरतें होती हैं ना, उनको ज़्यादा पता होता है कौन सी सब्ज़ी कैसी होती है, कौन सी सब्ज़ी ताज़ा होती है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है घर पर, तो उनको तो ले जाना फ़र्ज़ है ना हमारा। ख़त्म। तो उनके साथ ही हम जा रहे हैं। हम आपको आज एक नया जो खुला था, अभी साल से ऊपर हो गया जो मार्केट अंदर खुली है, लोकल मार्केट, हम आपको वहाँ ले जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि वहाँ कौन सी सब्ज़ियाँ मिलती हैं और क्या क्या मिलता है। चले हमारे साथ बनी रहेगा। हम आ गए इधर और यहाँ की पहली हमारी जो बैड लक हुआ है हमारे साथ ये है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो हमें पूरी सीरिया जो है ना चढ़नी पड़ेगी। चलें ये भी हम देख लें। Stop it. Get some help. देखें हम आ गए और यहाँ पर सीरिया चल रहे हैं। तो ये है यहाँ की लोकल मार्केट, यहाँ पर हम लेंगे हमारी जो सब्जियाँ हैं वगैरह सब इधर लेंगे। उधर माशाल्लाह से एक खूबसूरत मस्जिद भी है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है यहाँ की और ये सब लोकल शॉप से देखे हूँ। फिलहाल देखिए सब लोकल शॉप से इधर। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर खाने की चीज़ें मिलती, खाना लाइक रेस्टोरेंट इस वक्त। तो हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, वहाँ पर सब्जी मिलती है, वहाँ से हम लेंगे अपनी पहले की सब्जियाँ। चलिए देखें, नहीं यहाँ पर मुझे लगता है फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। जो दूसरी मंजिल पर हम गए तो वो सही नहीं था, यहीं पर सब्जियाँ सब मिलती है फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर गिर रहे थे।
देखिए सब ताज़ी सब्जियाँ रहने की, ये ब्रोकनी और ये टमाटर, ये देखिए ये यहाँ की लोकल मार्केट है, ये आलू है, ये नारियल है, खोपड़ी तोड़ खोपड़ी तोड़ थाली, ये लहसुन है। हम जो है नमले वाला खरीदे, पहली चीज हमने जो ली है वो ये है जिस पर हम अपनी सब्जियां रखी हैं, हमने वो ले लिए। तो अब हम देखेंगे सब्जियां हमें जो मिलेंगी, यहाँ पर लाइट बहुत हमारी, ये देखिए आलू वगैरह, ये टमाटर है, ये करेला है मुझे लगता है। अब देखिए यहाँ पर मेरी अम्मी जो है ना इनके साथ बार्गेन कर रही है, तो शायद ये टमाटर उन्होंने ले लिया है। देखिए ये देखिए हमारी पहली शॉपिंग, हमने लहसुन ले लिया है पूरे हफ्ते का। हम अभी ले रहे हैं प्याज ले रहे हैं, यहाँ की लोकल के प्याज। यहाँ पर हमने ले लिए ये जो नारियल है वो उन्हें हमने ले लिया है, वो पूरे हफ्ते का नहीं लिया क्योंकि हम आगे भी देखते हैं कि आगे का दाम कितने में देते हैं वो प्राइस, शायद उनमें कोई फ़र्क आ जाए। हम कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं, हमारी अम्मी सब कुछ कर रही है, हम तो सिर्फ यहाँ पर देखने आए हैं और बस बजट बना रहे हैं। ये कितने खूबसूरत है, अभी यहाँ पर जो रंग वगैरह है ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करेंगे कि बहुत ही कलर में आ रही हैं सब चीज़ें। आई होप आपको भी पसंद है। आपको एक बात बताना, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके दिमाग में कोई और कंटेंट है आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो निकालूँ तो मुझे बताएं सर। ये ब्रोकली है सर, पूरा फ्लोर है इधर, यहाँ से हमने लिया है टमाटर, हमने इधर से लिया है जिंजर भी लिया है और कुछ प्याज वगैरह भी लिया, क्योंकि सबके जो इधर प्राइस है ना सबके अलग अलग प्राइस हैं, तो कुछ के कम होंगे कुछ के ज़्यादा होंगे, तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सबसे ले रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने किसके पास कितने का दाम हो रहा है। ये अब बारी होती जा रही है, देखें इसको देखते हैं। ये जो है ना ये लाल के बीच है, ये हेल्थ के लिए बहुत सही होती है, और ये सब इसमें, और ये बीट फ्रूट है, ये हेल्थ के लिए बहुत सही रहता है बीट फ्रूट, और ये गोभी फ्लावर, और ये देखिए इसमें आती है सब प्याज वगैरह इसमें आती है। यहाँ ये सब लेमन वगैरह मम्मी ने ले लिया है, ये ही इधर से हम मिर्चियाँ ले रहे हैं,
पर लिफ्ट है पर लाइट नहीं है, पर ये पहला फ्लोर है। ये देखिए इधर से मस्जिद दिखती है फूल। ये इमलिया है, जा रहे हैं जो सामान हम ले लिया है वो गाड़ी में रखने जा रहे हैं और इसके बाद देख रहे हैं कि हमें फल वगैरह मिलता है वो भी हम ले लेंगे इधर से। ये पीछे की साइड से है और यहाँ पर है ना जो ग्राउंड फ्लोर है, इधर मिलती हैं सब कपड़े, बच्चों की चीज़ें, वो पेपर्स वगैरह सब इधर मिलता है। तो हम बाहर आ गए हैं, हम गाड़ी में रख कर वापस हम ऊपर जाएंगे, हमें लेना है फल वगैरह। आप देखिए भाई वो खूबसूरती से मैं नहीं ले पा रहा क्योंकि बहुत जल्दी में हम और इधर लोग बहुत हैं, कुछ आ जाते हैं बीच में, इसलिए वो जल्दी से नहीं ले पा रहा हूँ। इधर हम रख देंगे इसको, अब बंद कर रहे हैं। हम बाहर की दुकान पर आए हैं, यहाँ देखने चावल वगैरह से, ये ग्रोसरी स्टोर है इधर की, देखिए कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। तो इधर हम ले रहे हैं कुछ सामान, यहाँ से कुछ और सामान हमने ले लिया है, हम जा रहे हैं अभी इसको भी गाड़ी पर रखें फिर देखें आ जाएंगे। अब हम जा रहे हैं कुछ फल वगैरह लेने क्योंकि खाने के साथ फल तो ज़रूरी हैं, तो हम इनसे लेंगे फल वगैरह। चलिए आपको दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कितना मीठा रसीला है ये। ये है पाइनएप्पल है, इसको मैं उर्दू में क्या बोलते नहीं जानता। किसमिस हमने ये लिया है, पाइनएप्पल लिया है और हमने ये तरबूज लिया है। ये देखिए आप, मेरी हालत ख़राब हो रही है। आपको जनरेटर की आवाज़ तो सुनाई दे रही है ना, यहाँ पर लाइट गई हुई है और गर्मी इतनी हो रही है ना, और उस ऊपर से इसको उठाना पड़ रहा है। और बेचारे इसको देखिए, तो ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमने सारा सामान अभी ले लिया है, सब कुछ तो नहीं मिला है पर फिर भी कुछ कुछ ख़ास जो सामान होते हैं तो हमने वो ले लिया है, और कुछ अगर छूट गया होगा हमसे तो हम वो भी निकलवा देंगे और ख़रीद लेंगे इधर ही नीचे, क्योंकि हमारे नीचे ही सुपर मार्केट होती है। और कुछ मसाले हैं जो
अभी तक हैं, इस हफ्ते चल जाएंगे, अगले हफ्ते हम आपको ले जाएंगे मसाले लेने। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप लाइक करना मत भूलिएगा, और ऑफ कोर्स अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाजू में एक नोटिफिकेशन बेल है, आप उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, कभी भी जब भी मेरा नया व्लॉग आएगा तो आप वो पहले शख्स होंगे जिन्हें ये नोटिफाई होगा कि मेरा व्लॉग आ गया है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको व्लॉग को शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे लाइक करेंगे तभी तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और हम छोटी सी फैमिली से बड़ी फैमिली हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते रहिए मेरा नया व्लॉग, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।